अपनी पहली सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने जा रही है। सीएम योगी अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी अपनी पहली ही सूची में उनको अयोध्या से उम्मीदवार घोषित कर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुट गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है उम्मीदवारों के नामों पर और मानस श्रीवास्तव इन तमाम खबरों पर हमारे साथ मौजूद है। तो मानस, सीएम योगी को अयोध्या से प्रोजेक्ट करके मैदान में उतारकर अपने हिंदुत्व कार्ड को धार दे रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि वो पहली सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर उम्मीदवार शामिल करेगी और इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि भले ही पूर्वांचल में चुनाव अंतिम दौर में हो, लेकिन जब योगी अयोध्या से उम्मीदवार होंगे तो एक हिंदुत्व का मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में और जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नजर आएगा, क्योंकि हिंदुत्व ही एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहती है। एक तरफ विकास का मॉडल होगा और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के रूप में हिंदुत्व का एजेंडा होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उसको फायदा मिलेगा। इसलिए पहली ही सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर उम्मीदवार अयोध्या से शामिल किया जा रहा है। विपनेश, ठीक है, आते हैं मानस अगली ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुक कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। पीएम मोदी बीजेपी सीईसी की बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के 170 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट कल जारी हो सकती है मकर संक्रांति के दिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली से, दिल्ली में लगातार मंथन हो रहा है, 170 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट तैयार हो गई है। मानस, तो कल तक ये सूची जारी होगी क्या? जी, क्योंकि मकर संक्रांति की शुरुआत होते ही अच्छे दिन भी शुरू हो जाते हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की खासियत रही है कि वो दिन और बहुत देख करके ही अपने नए काम की शुरुआत करती है, तो उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा रही है, तो निश्चित तौर पर मकर संक्रांति के दिन से बेहतर दिन कोई हो नहीं सकता जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही कि कल वो अपनी पहली सूची जारी कर देंगे। करीब 170 उम्मीदवार होंगे जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के उम्मीदवारों का नाम होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर भी वो उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे महत्वपूर्ण है।